हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि आज के व्लॉग में है मेरे फ्रेंड की अफ्तारी। और मैं एक मसला तो अपने मौलवी साहब से पूछना ही भूल गया कि अगर दोस्त हरामी हो तो अफ्तारी हो जाती है, मतलब अफ्तारी हो जाएगी ना फिर, मतलब सवाब वगैरह मिलेगा। फिर मुझे याद आया कि दोस्त सबके हरामी होते हैं, तो मेरे भी हरामी है तो मेरी भी हो जाएगी। तो भाई जान, आज मेरे दोस्तों की अफ्तारी, और पिछले पूरे रमज़ान में हमारे अफ्तारी सीन चल रहे थे, डिफरेंट दोस्तों के घर डिफरेंट अफ्तारियाँ चल रही थी। तो आज है मेरी बारी, तो आज है मेरे घर अफ्तारी, तो आज वो अफ्तारी सीन्स होंगे। और पिछले जो अफ्तारियाँ गुजर चुकी हैं उनके जो सीन्स गुजरे हैं वो वाले सीन्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि मज़ा आए, फिर लोग ज़रा सिनेमेटिक सा बन जाएगा। तो लेट्स गो। तो अभी अभी हाँ, सीन तो मैंने बताया नहीं, तो सीन नहीं बोला। तो बात कुछ यूँ है कि अब मैं उठा हूँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले 11 बज 12 बज चुके हैं, और अब मैंने जाना है ग्रोसरी करने, उसके बाद फिर शायद मैं बेड बनवाने जाऊँ, और लेट्स सी। चलो भाई लोग, ये है लिस्ट जो हमने सामान लेना है। तो हम लेने जा रहे हैं अब सामान, और पी के ट्रेंडिंग हो गई है। चलो भाई जान चले। आ गई हैं ये चीजें, नाउ लेट्स गो। अब हम जाएंगे चिकन लेने। चिकन कहाँ से मिलेगा? VIP सा चिकन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दीज थिंग्स आर रिमेनिंग, सो लेट्स गो। आई हैव टू गो लिटिल बिट रॉन्ग वे, बट आई हैव टू ग्रो। सामने कट है, देखो वैसे तो मैं बहुत रूल फॉलो करता हूँ, लेकिन आज है जुम्मा, रश है कम, दूसरी बात है जुम्मे को होने वाला है टाइम, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा पैच रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो भाई लोग, ग्रोसरी सब कुछ हो गया है डन, अब हम जा रहे हैं घर, और पढ़ना है जुम्मा, और रह गए हैं जर जस्ट 30 मिनट्स, और अभी मैंने नहाना भी है और मैंने जुम्मा पढ़ना है। और मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेड भी बनवा लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं बचा, तो बेड का भी सीन करते हैं। बेड बहुत बड़ी हुई है, ख़त करवाने वाली है, तो करवाते हैं। ओके ब्रोस एंड देयर सिस, लेट्स गो। हाथ मेरे हो गए हैं खराब, खा उठा के सामान मैं ले आया हूँ, सारी ग्रोसरी सारा सामान आ गया है। अब मैं जाऊँगा, मैं चेंज करूँगा और जाऊँगा जुम्मे पढ़ने, क्योंकि जुम्मे का टाइम आने वाला है जल्दी जल्दी। तो भाई जान, हम हो गए हैं रेडी और शावर ले लिया, अब जा रहे हैं जुम्मे के लिए। जुम्मे से आके बाकी जो काम है वो देखते हैं, और कोई चीज़ें मिस हो गई थी यार, वो लेने जा रहा हूँ, कभी चीज़ें पूरी नहीं होती इनकी। जी आ गई जी चीज़ें,
जा रहे हैं। लोग मुझे याद आया कि इस ड्राइंग रूम का एसी जो है वो काफी देर से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसको भी साफ करना है, तो उसकी सफाई करेंगे क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। सर्दियां थी, काफी देर से बंद था, तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी। सो लेट्स गो। तो भाई जान, ये है जी बी रोल्स और सिनेमेटिक्स जो मैंने बनाए हैं खाने के। और वाह, क्या खाना है। ये ब्रोकली उड़ रही है, ये बारबेक्यू बन रहा है, बर्गर बन गया है। वाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बी रोल्स लेना भूल गया था और मैं कामों में बिज़ी था और मैं भूल गया था लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मैंने खुद बनाए हैं, ये मेरा किचन है। ये बीफ स्टेक बन गया है, वाह। ये पेड़ा निकल आया, ये ट्राइंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, वाह। और ये सब चीज़ें बन रही हैं, ये पता नहीं क्या बना है, मुझे कुछ नहीं पता। ये एप्पल कट गया, हनी आ गया, वाह क्या बात है यार, कितना यम्मी है हनी। ये हमारे बाग का है। और ये हमारे घर में मशीन लगी हुई है इसकी, और क्या मशीन है, वाह मज़ेदार। स्टारबक्स भी हमारे घर में है। और ये मसाला, गरम मसाला पिस गया, आग जल गई, और कमाल चीज़ें बन रही थी। और ये मेरी बहन है जिसने बनाया था, और ये मेरी बहन को जाता है सारा क्रेडिट। और ये दूसरा किचन है हमारा ऊपर वाला, जहाँ पे भाभी बना रही थी खाना। और इस खाने के लिए ये ब्रेड आ गई, ये सब चीज़ें आ गई, पता नहीं क्या बनने जा रहा है। वाह, ये अंडा खुल गया, इतना स्लो खुल रहा है, या कितना गंदा लग रहा है ये आया है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल फजूल है। और ये देखो जी, ये कट गई रेड चिली टमाटो, और ये बनने लगा है कुछ बहुत मज़ेदार। ये नमक आ गया सॉल्ट बे की तरह, और ये पता नहीं क्या अंदर डाला हुआ है, ये ऑमलेट बन रहा है आई थिंक सो। हाँ, हमने मेहमानों को ऑमलेट दिया था, हाँ ऑमलेट दिया था, ये मैंने खुद बी रोल्स लिए हैं भाई, ऐसा गलत तो नहीं हो सकते, हमने दिया था ऑमलेट। और ये बनने वाला है ऑमलेट, और ये चीज़ आ गया फिर से जो काटा था, और ये आ गया टेबल पर खाना, ये आ गया। ओ, ये तो कुछ और ही आ गया भाई जान लेकिन वो बी रोल्स मेरे ही थे, मैंने बी रोल्स बनाए थे। तारी के बाद भाईजान बातें चलते हो रही हैं, वो दी चेंज कर दे, वो टेंशन वो ऐसी प्यारी बातें मैं आपको क्या बताऊं, मैं आई सी कर गया, मैं सी कह रहा हूं वो कैसा है सर, शेयर करते हैं, देखिए चलो बड़े अच्छा बंदा था, पहले अच्छा बंदा था। अच्छा सर ये बताइए, बीवी के साथ करते हैं लेकिन नहीं करते, तो वो तो एडिट होंगे आज तो मैं मुझे बोल दो सर, आप बताएं तो मी आपको पता नहीं सर, आपको इनकी भेंट हो रही है, वो अचानक से निकल यार दफा हो गया, चला सर तो ये है जी मेरे हरामी दोस्त, जिनका रोज़ा खोलने के बाद अंदर का शैतान जाग गया है, और इनके अंदर का जो जानवर है वो बाहर आ रहा है, और इनका गंद बाहर आ रहा है बल्कि, और ये ऐसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, फजूल फजूल बातें कर रहे हैं। अगर इनका मैं वॉइस ओवर चलाता तो भाई बीप से भर जाना था। ये देखें, ये शुरू हो गया, बस कर जा भाई, देख गंदे गंदे इशारे करेगा अभी, देखना ओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद रमज़ान शरीफ का महीना है, और ये जी रोज़े से पहले इतने शरीफ बन के बैठे हुए थे जैसे वाकई बहुत ज़्यादा शरीफ है, और ये बंदा तो वाकई शरीफ है क्योंकि इसका नाम ही हमदा शरीफ है, और ये दोनों जो है ना ये बहुत हरामी है। और उसके बाद ये सबसे बड़ा हरामी, और उसके बाद क्या कहते होते हैं जी इसको, इनको याद आया कि भाई अल्लाह रसूल की बात कर लेनी चाहिए, रमज़ान शरीफ है, तो इनके अंदर का मोल भी जा गया, मोहसिन का मोल भी जा गया, और ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और मोहसिन का बयान शुरू हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मजबूत कलमा है, इतना मजबूत कलमा है कि पूरी कायनात एक साइड पर रखी जाए तराजू के, और दूसरी साइड पर ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली साइड ज्यादा वजनी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की आप अहमियत से इसी पे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 124,000 से ज्यादा पैगंबर और अंबिया दुनिया में भेजे, सिर्फ इसी कलमे के लिए भेजे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पसंद है कि एक आदमी तमाम दुनिया भर के गुनाह अल्लाह के पास लेकर आए, मगर उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ठीक हो,
तो अल्लाह अपनी रहमत से उसको माफ फरमा देगा। कहाँ कितनी खा रहा होता भाई, जितने बाजू के काम ओए तूने हमें ऐसे कर दिया, लड़ाई ठाप आ शुरू हो रही थी, देख कर रख रहा सो रही हूँ कैसे थले लग गया। नहीं, खके छुपेल पास में था, ये तो वही वाला साहब का साजिश का वर्ड नहीं है। ये बात की मोहब्बत, तो अगर मोहब्बत की बात करोगे तो बहुत आगे तक जाएगी। क्यों घनू साहब, क्यों घनू साहब ओके यार ब्रो, नाइस बच्चे, छोटा सा हमारा ये, थैंक यू फॉर जॉइन आवर पार्टी एंड लव यू यार। खुद कैसा खेला मुझे आदमी को, नान खान जिंदाबाद, नान खान जिंदाबाद, धन्यवाद अल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।